एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। रेशियो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म क्वांटिटी की सेकंड क्वांटिटी से। तो पार्ट नंबर 1 में जो 24 रुपीज़ ये फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है और सेकंड क्वांटिटी है 6 रुपीज़, तो हमने फाइंड करनी है 24 रुपीज़ और 6 रुपीज़ की जो इनकी रेशियो है, इनकी जो इनका आपस में रिलेशनशिप है, जो इनके आपस में ताल्लुक है। तो लिखेंगे रेशियो रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी की कहा गया था सेकंड क्वांटिटी से मालूम करनी है, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी क्या आ रही है रुपीज़ में है 24 रुपीज़, रुपीज़ में आ रही है फर्स्ट क्वांटिटी 24 और सेकंड क्वांटिटी है 6 रुपीज़। फर्स्ट क्वांटिटी की रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड क्वांटिटी से और फर्स्ट क्वांटिटी है 24 रुपीज़ और सेकंड क्वांटिटी है 6 रुपीज़। याद रहे कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जो दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम टर्म्स भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो दोनों ही क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो यूनिट आ रहा है वो रुपीज़ में आ रहा है, तो इसकी रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है रुपीज़ में 24 और इसको हम रेशियो ले रहे हैं और रेशियो को इस सिंबल से इग्नोर किया था, यानी कि जो कॉलन आ रहा है। सेकंड क्वांटिटी भी रुपीज़ में ही है 6। अब हम इसको इस एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 24 ओवर रुपीज़ 6, यानी कि हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्म हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रुपीज़ 24 डिवाइडेड बाय रुपीज़ 6। एक और बात याद रहे कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, जब हम किसी भी नंबर को रेशो में तब्दील करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रुपीज़ और रुपीज़ नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रुपीज़ आ रहा है, तो ये वाला रुपीज़ डिनोमिनेटर के रुपीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 24 ओवर 6। अब इसको लोएस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 6 का 6 ही है, 6 वन टाइम 6 और 6 फोर टाइम 24, तो इसकी रेशियो आ गई 4:1। आगे है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का, 20 केजी फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी है 5 केजी, तो हमने फर्स्ट क्वांटिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है सेकंड क्वांटिटी से। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है केजी में 20 और टू इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है सेकंड क्वांटिटी से और सेकंड क्वांटिटी है 5 केजी। इसको हम रेशियो में लिख लेंगे, 20 केजी रेशियो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और दूसरी क्वांटिटी है 5 केजी। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, 20 केजी ओवर 5 केजी, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट है केजी, तो केजी केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 20 ओवर 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही आएगा, तो 5 वन टाइम 5 और 5 फोर टाइम 20, यानी कि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया, तो इसकी रेशियो आ गई 4:1। आगे है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, 20 सेंटीमीटर फर्स्ट उसकी क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी है 80 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ 20 सेंटीमीटर जो कि फर्स्ट क्वांटिटी है, इसकी हमने रेशियो लेनी है सेकंड क्वांटिटी से और सेकंड क्वांटिटी है 80 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर रेशियो का सिंबल लगाएंगे, रेशियो को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और सेकंड क्वांटिटी है 80 सेंटीमीटर। अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, 20 सेंटीमीटर ओवर 80 सेंटीमीटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 20 ओवर 80। अब हम 20 और 80 को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 21 टाइम 20 और 24 टाइम 80, यानी कि इसका जवाब आ गया 1:4।